हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, ये है रियलमी डिजो वायरलेस ईयरफोन जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किए गए थे। इसके अनबॉक्सिंग वगैरह तो हम पहले ही अपने चैनल पर कर चुके हैं, बाकी आज की इस वीडियो में हम इसकी फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप ये ईयरफोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप 1500 रुपये से कोई ऐसा ईयरफोन लेने की सोच रहे हैं जो कि आपके गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह और कनेक्टिविटी फास्ट मिले और बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा देखने को मिले, तो क्या ये ईयरफोन आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ईयरफोन के डिजाइन की। तो यहाँ पर कंपनी ने इसका डिजाइन काफी अच्छा बनाया है, गले में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं, वहीं इनकी रबड़ की क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रबड़ क्वालिटी इसकी स्किन फ्रेंडली है, तो आपकी नेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा ये सिर्फ 23 ग्राम के हैं, तो ये काफी लाइट वेट भी है। वहीं इसकी वायर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इसके एयरबड्स स्मॉल साइज के हैं जो कि इजिली आपके एयर में फिट हो जाते हैं। अगर इसके कंट्रोलर क्वालिटी की बात की जाए तो ये भी काफी अच्छा है, बट इसके कंट्रोलर से जो वायर निकल कर आ रही है वहां पर अगर कोई रबड़ की ग्रिप तो काफी सही रहता जो कि कंपनी को देना चाहिए था, क्योंकि मोस्टली ईयरफोन्स यहीं से ब्रेक होते हैं। वहीं इसके बटन की क्वालिटी काफी अच्छी है, बट इसके बटन को एक ही पैनल में दिया गया है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जब भी इसके मल्टीफंक्शन बटन को यूज करना होता है, जैसे कि कॉल को पिक करने के लिए या फिर सॉन्ग को प्ले पॉज करने के लिए, तो वो ठीक से पता नहीं चल पाता कि हम कहां पर प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके मल्टीफंक्शन बटन में या फिर वॉल्यूम बटन में थोड़ा सा गैप देना चाहिए था, जिससे कि ये पता चल जाए कि हम कहां पर प्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा इसके कंट्रोलर में यूएसबी टाइप सी जैक मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए, जिसमें कोई भी कवर नहीं मिलता। तो अगर आप बारिश वगैरह में इसी ईयरफोन को यूज कर रहे हैं तो शायद से इनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वहीं इनमें IPX4 की रेटिंग मिल जाती है तो थोड़े बहुत पानी के छींटों से ये बच सकते हैं। वहीं बात करें इन एयर टिप्स की, तो ये एयर टिप्स काफी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि ये प्लास्टिक है, बट इनकी मैग्नेट है जो काफी स्ट्रांग दी गई है। इन ईयरफोन्स को चिपकाने से ये ऑफ हो जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है, फालतू की बैटरी वगैरह वेस्ट नहीं होती। और ये फीचर जो इनमें दिया गया है ये 2000 से ऊपर के ईयरफोन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा फास्ट है। आप जैसे ही इन ईयरफोन्स को अलग करते हैं और अपने एयर तक लेकर जाते हैं, उससे पहले ये आपके फोन वापस से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर चाहे आपके पास रियलमी कंपनी का फोन हो या शाओमी या एप्पल का कोई भी डिवाइस हो, काफी फास्ट तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा रियलमी लिंक एप्लीकेशन भी मिल जाती है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप इसकी साउंड के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को एनहेंस कर सकते हैं, गेमिंग मोड ऑन कर सकते हैं और इसके बटन के फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको किसी और कंपनी में नहीं मिलने वाले। ये सिर्फ रियलमी कंपनी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी साउंड क्वालिटी पर। तो यहाँ पर इन ईयरफोन्स में 11.2 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इनकी साउंड काफी लाउड है, इनको आप फुल वॉल्यूम पर ज्यादा देर के लिए नहीं सुन पाएंगे और साउंड लाउड होने पर इनमें कोई भी डिस्टोर्शन नहीं आता, बिल्कुल क्लियर म्यूजिक की आवाज आ जाती है। वहीं अगर आपको बेस सुनना ज्यादा पसंद है तो आपको ये ईयरफोन काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। वहीं इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी को मैंने अपने स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, डिफरेंट मोबाइल फोन सब में यूज करके देखा है, साथ में रनिंग वगैरह भी करके देखा है, तो इन ईयरफोन्स में कहीं से भी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड ब्रेक नहीं होता, काफी अच्छी साउंड की क्वालिटी निकल कर आती है। अगर कोर क्वालिटी की बात की जाए तो ये साउंड इसके माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, काफी अच्छे से साउंड सुनाई दे जाएगा अगर सामने वाले बंदे को आप कॉल करते हैं तो। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताना इसकी साउंड जो हमने रिकॉर्ड की है वो कैसी आ रही है। इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है तो बाहर की साउंड को ये थोड़ा कम कर देता है और कॉल क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। नाउ अब आ जाते हैं गेमिंग मोड पर। तो इसके मल्टीफंक्शन को 3 बार प्रेस करने पर इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है, या फिर आप इसके एप्लीकेशन में जाकर भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ सैंपल्स हैं इसके गेमिंग के।
तो इसमें हमें 88 मिलीसेकंड के लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका गेमिंग मोड आपको कैसा लगा। वहीं बात करें इनके बैटरी बैकअप की, तो इन ईयरफोन का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, काफ़ी इंप्रेसिव है। तो मैंने इनको डिफरेंट मोबाइल फ़ोन लैपटॉप में 80% से ज़्यादा वॉल्यूम में यूज़ किया है। इनका बैटरी बैकअप मुझे 13 आवर्स का मिला है, जहाँ पर मैंने इनमें कॉल भी किया है, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी प्ले किया है और गेमिंग भी की है। वहीं कंपनी 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम क्लेम करती है, तो यहाँ पर 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम तो आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पर 13 से 14 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं जो कि आप कॉल करने या थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखने के लिए अपने ईयरफोन यूज़ करते हैं, तो ये ईयरफोन आपके 1 वीक आराम से निकाल देगा। इसके अलावा बात करें इनके चार्जिंग की, तो इन ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। वहीं कंपनी क्लेम करती है कि इन ईयरफोन्स को 10 मिनट चार्ज करने पर 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो यहां पर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी के लिए इन ईयरफोन्स की बैटरी बिल्कुल फिनिश हो गई है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये 10 मिनट में इसको कितना चार्ज कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और इनको प्लग आउट करके अपने फ़ोन से दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इनकी बैटरी कितनी परसेंट चार्ज हुई है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि 10 मिनट चार्ज करने पर 30% बैटरी चार्ज हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि 2 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको ईजिली मिल जाएगा। वहीं कंपनी क्लेम करती है कि 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो हम फिर से इनको चार्जिंग पर लगाकर टाइमर ऑन कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर इनको चार्जिंग पे लगाए हुए करीब 1 घंटा होने ही वाला है, तो इनको अलग करके आप देख लेते हैं कि इनमें कितनी परसेंटेज बैटरी चार्ज हुई है। वाओ दोस्तों, ये सच में कमाल हो गया है, ये एयरफोन 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो गए हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि 1 घंटे का भी फुल टाइम नहीं हुआ है और ये 100% बैटरी चार्ज हो गई है, बट कंपनी क्लेम करती है कि 2 घंटे में चार्ज होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट यहाँ पर फास्ट चार्जिंग काफ़ी अच्छी है इसमें। सो गाइस, अगर आप OTT बिंज वॉच करते हैं या गेमिंग वगैरह करते हैं, तो ये एयरफोन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इनकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है और बार बार आपको चार्ज नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा इन ईयरफोन्स में कुछ कुछ खामियां भी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये ईयरफोन हमें 4 कलर ऑप्शन में मिलते हैं, जिसमें से कि ब्लैक कलर आपको 1299 रुपीज़ में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई और कलर लेने की सोचते हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा सिर्फ कलर के लिए, तो यहाँ पर हमने भी ऐसा किया है। इसके अलावा इन ईयरफोन्स की क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था, जैसे कि इसमें ब्रेडेड केबल हो सकती थी, चार्जिंग पोर्ट पर कैप दी जा सकती थी, इनके जॉइंट पर कुछ कुछ मटेरियल को यूज़ करके इनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था। नेक्स्ट, इन ईयरफोन्स में डुअल कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि एक टाइम पर आप एक ही डिवाइस में यूज कर सकते हैं, दूसरे डिवाइस में यूज करने के लिए आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट, इनके मल्टीफंक्शन बटन को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए था, जिससे कि इनको यूज करने में इजी हो जाता। इसके अलावा इन ईयरफोन्स की कनेक्टिविटी, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, बैटरी बैकअप काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट 1500 रुपये से कम है, तो आप इन ईयरफोन्स को जरूर से बाय कर सकते हैं। ये एक बेस्ट ईयरफोन है 1500 रुपये से कम बजट में। बाकी इतना था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।